हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए पितृ दोष के बारे में सेकंड वीडियो। एक्चुअली ये पार्ट टू है। अगर पितृ दोष क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको पितृ दोष प्रभावित कर रहा है, पितरों की आप पर कृपा है या नहीं, आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप पार्ट वन चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पितरों को कैसे तृप्त किया जा सकता है, कैसे उनसे ब्लेसिंग्स ली जा सकती हैं, कैसे थोड़ी सी उनके लिए ग्रेस, उनके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करके अपनी लाइफ को बदला जा सकता है, अपनी आने वाली जनरेशन को ब्लेस करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि पितरों का स्थान जो होता है, पितरों का जो स्थान होता है वो होता है साउथ वेस्ट में। तो उनकी जो स्वरूप हम लगाते हैं उनको आप गोल्डन फ्रेम में जुड़वाएं, साउथ वेस्ट में लगाएं और उन पर हार चढ़ाएं, ठीक है। रेस्ट, पितरों की मूर्ति को कभी भी मंदिर में स्थान ना दें। ये नहीं है कि पितर पूजनीय नहीं है, बस बात इतनी सी है कि जो स्थान जिसके लिए बना है वहाँ उन्हीं का स्थान होना चाहिए, राइट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी भारी सामान ना रखें, जस्ट लाइक कूड़ा करकट या फिर लोहा, कबाड़ा जिसको हम बहुत टाइम तक रखते हैं कि कभी हम निकाल देंगे, तो उस सामान को आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में नहीं रखना है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखनी है जिससे पितरों का अपमान हो, ठीक है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पौधे ना लगाएं, पेड़ ना उगाएं, गमले ना लगाएं, ओके। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। गोल्डन कलर के फ्रेम में पितरों के स्वरूप को जुड़वाएं एंड उन पर हार चढ़ा के रखें, उनके स्वरूप को साफ़ रखें, उनके हार को साफ़ रखें, घर में साफ़ सफाई रखें, उनके स्थान की साफ़ सफाई रखें, ओके। उनके नाम का दान अमावस्या, पूर्णिमा, पितृ अमावस्या को आप निकाल सकते हैं। पितरों की खुशी के लिए आप अपने कुल देवी देवताओं के मंदिर में जब जाएंगे तब ये भी ब्लेस होते हैं, इन्हें भी मुक्ति का मार्ग मिलता है और ये आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, राइट। तो जो भी आपके कुल देवी देवता हैं आप उनके मंदिर में खुद जरूर जाएं, रीति रिवाज से पूजा करें। जब भी आपके घर में मैरिज हो, संतान हो, आपको सुखों की प्राप्ति हो तो वहाँ दर्शन करने के लिए ज़रूर जाएं। श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष में क्या कर सकते हैं, अगर आपको तिथि और डेट्स पता हैं कि जब इनका श्राद्ध किया जा सकता है तो आप ज़रूर करें। अमावस्या के दिन आप अपने गोत्र को रिमाइंड करके उनके नाम की दान दक्षिणा निकाल सकते हैं। पितरों की अमावस्या, एक्चुअली मैं श्राद्ध पक्ष की बात कर रही हूँ, वैसे तो हर अमावस्या पे हम दान कर सकते हैं। अगर आपको आपके पूर्वजों की तिथि नहीं पता है कि किस दिन श्राद्ध करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या आती है उसमें अपने गोत्र को याद करके उनका नाम लेकर उनसे माफ़ी मांग कर उनके नाम की दक्षिणा दान निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या दान देना चाहिए। पैसे दान दे सकते हैं, दक्षिणा दान दे सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। वाइट या फिर सफ़ेद रंग, जिसको वाइट और सफ़ेद एक्चुअली वन ही है, वाइट और येलो कलर्स की चीज़ें आप दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, कपड़े डोनेट कर सकते हैं, फूड डोनेट कर सकते हैं, चावल, दूध, खीर, चीनी, गेहूं, दालें, रोटी, पूरी, जैसे भी श्रद्धा से आप बना पाएं तो आप बना लीजिए, नहीं बना सकते तो आप सूखा दान कर दीजिए। और अगर किसी को लगता है कि उसका सामर्थ्य अभी इतना नहीं है कि वो श्राद्ध पक्ष में बहुत भारी दान कर सके, वैसे तो हर एक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। रेस्ट, जितना ज़्यादा दान करोगे, दान की कोई सीमा नहीं है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर दान करें। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो कभी भी भगवान या पितृ ये नहीं चाहते कि आप खुद दुख में रहकर दान और दक्षिणा करें, ठीक है। तब आपको सिंपली क्या करना है, सुबह नहा धोकर, फ्रेश होकर, साफ आटा गूंथकर, एक सच्चे प्रेम भाव से अपने पूर्वजों को याद करके एक रोटी बनानी है, उसको देसी घी से चोपड़ना है, उस पर गुड़ और दाल रखनी है, चने की दाल रख सकते हैं, देन उसको गाय को खिला दें। ये काम हर एक इंसान कर सकता है, हर एक के सामर्थ्य के अंदर है। अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो गुड़ की ढेली, मतलब डली,
जो हम चूसते हैं उतनी सी डली भी आप निकाल देंगे श्रद्धा भाव से उनका नाम लेकर, गाय को खिला देंगे तो आपका दान स्वीकार हो जाएगा। क्योंकि पितृ हमारे माता पिता हमारी श्रद्धा से हमारे प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं, उन्हें कोई हमारे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम उनके लिए सब कुछ दान कर दें, ऐसी उनकी आस्था कभी नहीं है। बस अगर हम उन्हें प्रेम भाव से सच्चे मन से याद कर लिया करें, उनके लिए कुछ अपनी तरफ से दान दे सकें, ठीक है, तो वो इसी में हैप्पी हो जाते हैं, चाहे वो गुड़ की छोटी सी ढली क्यों ना हो या फिर एक रोटी अगर आप गाय को देते हैं, इट्स वेरी नाइस। इसके अलावा आप चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर, जैसी भी आपकी आस्था है, अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान कर सकते हैं। पंखे लगवा सकते हैं, एसी कूलर लगवा सकते हैं, ठीक है, दान की कोई सीमा नहीं है। अगेन मैं वही बताना चाहूँगी, एंड इनकी ब्लेसिंग्स मिलते ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पाप भी मिट जाते हैं, गलतियां भी माफ़ हो जाती हैं, बचे हुए सभी दोष शांत हो जाते हैं। कहते हैं कि जो इंसान अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन को सही कर लेता है, पितरों के स्वरूप को सही तरीके से लगा देता है, उसके घर में वास्तु दोष किसी भी तरह का हो वो मिट जाता है, वो असर नहीं करता, वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं देता। तो ये थी कुछ रेमेडीज जो मैंने बताई कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ का आप स्पेशली ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में गमले, पेड़ पौधे, हरी चीज़ें ना लगाएं, ना रखें, ठीक है, गोल्डन फ्रेम में उनकी स्वरूप को जुड़वाएं, उन्हें याद कर लिया कीजिए, उन्हें याद करके उनका आभार व्यक्त किया कीजिए, श्राद्ध पक्ष में उनके नाम का दान कर दीजिए, पूर्णिमा और अमावस्या को उनके नाम का दान कर दीजिए। दान करते वक्त अपने पितरों का नाम लें जिनका आपको पता है, और गोत्र का नाम जरूर जोड़ें अगर आपको पता है, नहीं पता तो इट्स ओके, पता है तो जरूर लें, ओके। तो ये थी मेरी पितरों से रिलेटेड वीडियो कि क्या उपाय हैं, क्या रेमेडीज़ हैं जिनसे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है, जीवन के सभी दुख कष्ट और क्लेशों से छुटकारा पाया जा सकता है, अपनी जीवन को एकदम बेहतर बनाया जा सकता है, अपने आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को एकदम हेल्दी बनाया जा सकता है, ठीक है। रेस्ट ऐसा नहीं है कि दान नहीं है सामर्थ्य तो भी बहुत भारी करना है, छोटी सी गुड़ की ढली या फिर एक रोटी जैसे मैंने आपको बताया, आप वो भी दान करेंगे तो आपके करोड़ों के, कोई अगर पर्सन करोड़ों का दान करता है ना, तो आपकी रोटी जो है ना वो उससे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पितरों के साथ आपके इमोशंस जुड़े हैं। अगर आप अच्छे इमोशंस उनको दान करते हो तो वो उससे ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, उनको नहीं ज़रूरत करोड़ों के दान की, उनको नहीं ज़रूरत लाखों के दान की। और अगर सामर्थ्य है तो ज़रूर दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, मंदिर में दान करें, गुरुद्वारे में दान करें, चर्च में दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, जैसे चाहें जितना चाहें दान कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं कि जो लोग नहीं मानते कि पितृ दोष कुछ होता है, उनके लिए मैं एक सीधी सी बात बोलूँगी कि दान करने में कोई बुराई नहीं है, दान जब भी करो फ़ायदा ही मिलता है, ठीक है। भगवान ने अगर आपको इतना सामर्थ्य दिया है कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो तो आपको करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट आप कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनका कल्याण हो। श्राद्ध पक्ष आने ही वाले हैं सितंबर में, वो लोग भी अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। आपका लिटिल लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत लोगों की हेल्प कर सकता है। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे, टेक केयर।